हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित हियर विद अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल गाइस। एंड आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेसिकली कुछ। हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित हियर विद अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल गाइस। एंड आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेसिकली कुछ क्लचेस, और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और काफ़ी मज़ा आएगा आपको देख के, बिकॉज जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताता हूँ ना आपको, वो मैंने पूरी की पूरी उसमें यूज़ की है। और मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि कैसे क्या यूज़ किया, कैसे मैंने उन बंदों को मारा, कैसे मैंने सारी स्ट्रेटजी यूज़ की। और डेफिनेटली वीडियो देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। बट वीडियो से पहले एज ऑलवेज जो भी वीडियो देख रहा है फटाफट से लाइक बटन पर क्लिक कर दो, बिकॉज काफ़ी सारे लोग हैं जो लाइक नहीं करते हैं और जो हमारा टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाता है। बट कभी कभी हो भी जाता है, तो उसके लिए आई अप्रिशिएट। एंड या वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट, मतलब सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लोग मेरी वीडियोस नहीं देखते हैं उनको लिटरली समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बात करता हूं, बिकॉज जैसे मैंने आपको कल परसों वाली वीडियो में बताया था कि मेरी सारी जो चीज़ें होती है पुरानी वीडियोस पे ही डिपेंड करती है। अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो हो सकता है आपको नई चीज़ समझ में ना आए, बिकॉज मैं डे बाय डे आगे बढ़ता जाता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे स्कूल में आपका सिलेबस आगे बढ़ता जाता है, वैसे यहाँ पे सीन है मेरे साथ। और कुछ लोग काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि पुरानी कोई पर्टिकुलर वीडियो का कोई पार्ट आना चाहिए, ये आना चाहिए, तो वो मैं दोबारा समझाता हूँ, वरना मैं पुरानी चीज़ जल्दी से नहीं समझाता, हर बार नई चीज़ लाने की कोशिश करता हूँ। सो यार, जिन्होंने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी प्लीज़ देखें, और जो भी चैनल पर नए हैं वो तो डेफिनेटली देखें। तो अब सिंपली बेसिकली क्लच से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, नंबर वन यहाँ पे देखो, हम लोग थे नोवो में, और नोवो में यहाँ पे मेरे सामने एक बंदा था जिसको मैंने यहाँ पे मारने की कोशिश की, बट वो पीछे भाग जाता है। अब मैं आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ पॉज कर करके समझाऊँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। सबसे पहले मैं ग्रेनेड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया रश करने से पहले अगर आपके पास ग्रेनेड हैं तो करो, नहीं है तो आप डायरेक्ट रश करो। उसके बाद ये बंदा बाहर निकला मुझे मारने के लिए और मैंने इसे नॉक कर दिया, ठीक है। मैं बाहर गया और वापस कवर में आते आते मैंने इसको नॉक कर दिया, मैंने अपनी फायरिंग नहीं रोकी, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ। दूसरे बंदे को भी मैंने नेड करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे पास नेड थे तो मैं क्यों जाके अपना काम मुश्किल करूँ। इसलिए मैंने सोचा कि यार मैं नेड करता हूँ, काम आसान हो जाएगा अगर वो नॉक होगा तो। बट अनफॉर्चुनेटली नेड नहीं हुआ सही से, और ये बंदे को मैंने मारने की कोशिश की, ये बंदा चला गया राइट में कंटेनर के अंदर, तो मैं इसके पीछे पीछे भी जा सकता था बिकॉज मैंने इसको डैमेज दिया था। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ऑलवेज बेट की टेक्निक यूज़ करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, खुद की बात बता रहा हूँ, मैं पीछे जाता हूँ और एकदम से वो बंदा जब मेरे पास आने की कोशिश करता है मैं उसे मार देता हूँ। तो यहाँ पे हो सकता है कि वो बंदा अंदर ना जाने की बजाय वो भी वहीं रुक गया हो और मैं उसके पास जाता तो मुझे मार देता, एकदम से सरप्राइज अटैक कर सकता था, तो मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए वो बंदा जब अंदर गया तो मैं पूरा राइट से घूम के जाता हूँ। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैंने टीपी भी ली, अपनी गन्स को रिलोड किया और राइट से घूम के गया, बट मुझे नहीं दिखा। और यहाँ पे एक और नया बंदा मेरे सामने आ गया जो आप देख सकते हो, और वो बंदा पता नहीं किधर गया जो पहले मेरे सामने था। और इस बंदे को मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ इसे मारने की कोशिश करता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं मरता है तो मैं प्रोन हो जाता हूँ। बिकॉज मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई गलती कर देते हो, अगर आप हिप फायर अच्छे से नहीं कर पाए या फिर अगर आप स्कोप भी अच्छे से नहीं कर पाए, तो कुछ ना कुछ ऐसा करो कि आप बचो, ठीक है। अब वहाँ से भाग के तो मैं बच नहीं सकता था ऑब्वियसली, तो मैंने प्रोन किया, मैं क्राउच भी कर सकता था, बट इतनी दूर की रेंज में क्राउच करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्राउच बहुत पास की रेंज में काम आता है जब बंदे का एम आपके सर पे हो। तो ये बात मैंने आपको पहले बताई है, बट जो लोग नए हैं उनको शायद नहीं समझ आएगी उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे मैंने प्रोन किया, उस बंदे को इजीली नॉक किया, और एकदम से देखो आप इंस्टेंट मैं पीछे घूमता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो पीछे वाला बंदा यहीं कहीं है, बट पीछे वाले बंदे को बंकर भाई ने ऑलरेडी नॉक कर दिया था। तो यहाँ पे अब एक ही बंदा बाकी था इनका, जो कि यहाँ पे टावर पे था, ठीक है, ऊपर की साइड। तो अब देखो हम उस पर कैसे रश करते हैं सिंपली। अब यहाँ से जब हम आगे जाते हैं तो वो बंदा फायर करता है, मतलब वो बंदा राइट में था, इस जो भी इसको आप बोल सकते हो उसके बगल में। अब मैं यहाँ पे जाके प्री फायर करता हूँ, बिकॉज मुझे पता था कि वो बंदा ज़रूर आएगा मुझे मारने, और मैंने प्री फायर किया और वो बेचारा प्री फायर में ही आ गया, ठीक है। तो अब ये 1v3 या 1v2, 1v3 था एक्चुअली, और आप देख सकते हो इसमें कितना सिंपली मैंने अपनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ किया और बंदे पेले, तो आप भी ऐसे पेल सकते हो। बट अगर आप मेरी वीडियोस नहीं देखते तो शायद आपके लिए हार्ड होगा थोड़ा समझना, और देखते हो तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि मैं क्या यूज़ करता हूँ और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ बेसिकली आपको, जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाए। हर बार गेम में कुश्ती करना ज़रूरी नहीं है, आप अपना काम आसान भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब सिंपली पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं था मिलिट्री बेस, सॉरी मिल्टा में, और मिल्टा में देखो क्या होता है, यहाँ पे एक बंदा मेरे सामने आ जाता है, ठीक है। अब मैं इसे मारने की कोशिश करता हूँ, बट मुझे लगा कि यार नहीं मार पाऊंगा, तो मैं यहाँ से जंप करके इसे मारने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मुझे पहले ही लग रहा था कि अकेला है, बट अनफॉर्चुनेटली इसका पीछे से एक बंदा कवर दे रहा था, जो मैंने आपको भी दिखाया सामने, वो बंदा कवर दे रहा था। अब मुझे लगा कि यार अगर मैं एक दो बार और जंप करूंगा तो शायद पीछे वाला ही मुझे मार दे और मेरी हेल्थ भी कम थी, तो मैंने पहले पीछे आके अपनी हेल्थ लेना समझा। बिकॉज अगर आप सोलो स्क्वाड खेल रहे हो और एक बंदे को अगर डाउन भी कर देते हो और वो भी आपको डैमेज देता है, उसमें आपको फ़ायदा नहीं है,
उसमें आपका नुकसान है, क्योंकि आपको अगर डैमेज मिल गया, दूसरा बंदा भी डैमेज देगा, तीसरा बंदा भी डैमेज देगा, तो चौथा बंदा आपको आराम से मार देगा। सिया पीछे आके हील किया मैंने, हील करने के बाद देखो मैं बाहर नहीं निकलता हूँ, बिकॉज बाहर दो तीन बंदे थे। वापस से मेरे पास था ग्रेनेड, ठीक है, दो ग्रेनेड्स, मैंने दोनों ग्रेनेड्स का सही यूज़ किया। आप देखो बिल्कुल अच्छे से, यहाँ पे एक बंदा दिखा मुझे राइट में, मैंने इस पे ग्रेनेड किया, इसको नॉक किया, और जाके मैं इसे मारने की कोशिश करता हूँ। अब इसका जो बंदा था वो अंदर से इसको कवर दे रहा था, घर के अंदर से, तो मैंने उसको कैसे मारा मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसे थोड़ा सा कंफ्यूज किया, राइट से मारा, फिर मैंने इसे लेफ्ट से मारा, बट ये राइट से ही ऑलरेडी डाउन हो गया, लेफ्ट से डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे अब इनका लास्ट बंदा बचा, जिसको तो मैं बहुत इजीली मार दूंगा, बिकॉज वो थोड़ा सा पैनिक हो गया था, क्योंकि मैंने इनके तीन बंदे ऑलरेडी मार दिए थे, दो बंदे एक्चुअली, एक बंदा किसी दूसरी टीम ने इनका मारा था, तो या मैंने दो बंदे मारे, एक बंदा ऑलरेडी डाउन था, तो लास्ट बंदा पैनिक हो गया था, बिकॉज उसको नहीं पता था कि मैं अकेला हूँ या मेरे साथ पूरी स्क्वाड है। तो जब भी आप सोलो स्क्वाड खेलो ना, एक चीज़ का तो हमेशा ध्यान रखना, कि अगर आपको लगता है कि सामने वाले को पता चल गया कि मैं अकेला हूँ, तो ऐसा नहीं यार, सामने अगर चार बंदे आप पे पुश कर रहे हैं तो वो भी यही सोच के पुश करते हैं कि अंदर दो या तीन बंदे होंगे, ऐसा कभी नहीं उनको महसूस होता है कि यार आप अकेले हो, क्योंकि वो घर देख के तो आए नहीं कि आप अकेले स्टार्ट किए हो, तो उसकी टेंशन मत लेना। मेरे पास यहाँ पे ग्रेनेड थे, मैंने उसका यूज़ किया, बट वो बंदा लो था और उसको सिर्फ एक गोली पड़ी डीपी की, और वो यहाँ पे फिनिश हो गया। तो इसी के साथ 1v3 मैंने दोबारा किया। अब उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3, विच मतलब पॉइंट्स तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, मतलब एक पॉइंट मैंने चार पॉइंट कवर कर दिया, बट लेट्स टॉक अबाउट क्लच नंबर 3। तो यहाँ पे देखो सीन क्या होता है, यहाँ पे मैं सिंपली गाड़ी रोकता हूँ, बिकॉज दो फ्लेयर चली थी, ठीक है, तो फ्लेयर पे रश करने का शौक तो सबको होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने लेफ्ट में एक स्मोक किया, ताकि उस वाली बॉल से कोई ना आ पाए, बट अनफॉर्चुनेटली स्मोक मैंने लेट किया और ऑलरेडी एक बंदा आ गया, तो मुझे लगा कि यार इससे फाइट लेनी पड़ेगी, बिकॉज और कोई चांस नहीं है। तो मुझे पता था कि वो जैसे देखेगा, मैं जिगल करके भाग रहा हूँ, अब ये देखो कितना आराम से, मुझे पता था कि वो जैसे देखेगा मैं उसे मार दूंगा, तो जैसे ही उसने देखा मैंने उसे मार दिया, बिकॉज वो कन्फ्यूज हो चुका था और वो मेरी ज़्यादा एचपी लेके नहीं गया। आप देखो यहाँ पे काफ़ी सारी एचपी मेरी अभी भी सेव है। दूसरे बंदे को मैंने यहाँ पे कार के नीचे से मारने की कोशिश की, बट वो पीक दे रहा था मुझे, तो मुझे लगा कि उसके पास स्नाइपर है। अब देखो मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बताया था कि अगर आपको लगे कि सामने वाले बंदे के पास स्नाइपर है, तो आप जिस कवर में हो ना, उस कवर से थोड़ा ज़्यादा दूर जाके उसको मारने की कोशिश करो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि सामने वाला बंदा पीक देगा, तो वॉल के पास ही अपना स्कोपिंग करके रखते हैं, तो जैसे आप वॉल के पास पीक दोगे वो मार देगा, तो थोड़ा आगे जाके जब आप मारोगे तो वो नहीं मार पाएगा, ठीक है। तो मुझे लगा उसके पास स्नाइपर है, तो देखो मैं कैसे जाता हूँ, थोड़ा सा मैं आगे जाके उसको मारने की कोशिश करता हूँ, बट वो पीक ही नहीं देता उसके पास, तो मुझे समझ में आ गया कि उसके पास स्नाइपर नहीं, और वो जब भाग रहा था तो मैंने उसको आराम से मार दिया। बट मैं इस क्लच में बेसिकली ये नहीं बता रहा था आपको, अभी देखो क्या होगा यहाँ पे, अभी मैं स्मोक करके लूट रहा होता हूँ, यहाँ पे दो गाड़ियाँ और आ जाती हैं, ठीक है, यानी पूरे 8 बंदे, मतलब दो स्क्वाड, सॉरी यहाँ पे थोड़ी भूल है, दो स्क्वाड आ जाती है। और अब देखो यहाँ पे मैं कैसे दोनों स्क्वाड को वाइप आउट करता हूँ। बेसिकली मैं इस घर के अंदर आ गया, ठीक है, घर के अंदर आने के बाद यहाँ पे इस घर में तीन गेट थे, ठीक है, एक गेट पे तो मैं ऑलरेडी खड़ा था यहाँ पे, ठीक है, और पीछे की साइड दो गेट और थे, तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बेसिकली इनसे फाइट करते करते उन दोनों गेट्स पे मैं कर देता हूँ स्मोक, ठीक है, ताकि मैं सेव हो जाऊँ। और उससे पहले देखो यहाँ पे मैंने उन बंदों पे नेड वेड करने की कोशिश की, ताकि मैं उनको टेक डाउन कर सकूँ, बट ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज नेड हर बार सही नहीं होते हैं, और नेड वेड करा, उन्होंने भी नेड करा, ठीक है। जब मेरे पास नेड खत्म हो गए, तो मैंने क्या किया, इन दोनों गेट्स पे स्मोक कर दिया। आप देखो यहाँ पे स्मोक करने के बाद मेरे को ये शॉर्ट ही हो गई कि अब मुझे एक ही गेट पर नज़र रखनी है, दो गेट्स पर नज़र नहीं रखनी पड़ेगी, तीन गेट्स पर। तो यहाँ पर मैंने स्मोक किया, तो दोनों गेट ब्लॉक हो गए। अब मैं ब्लॉक करने के बाद क्या करता हूँ, मैं ब्लॉक इसलिए कर रहा था ताकि मैं फ्रंट गेट से जो भी बंदे थे ना पहले उनसे फाइट ले सकूँ, पीछे वालों को मैं एकदम इग्नोर करूँ। अब सीन ये हुआ कि जब मैं सामने वाले बंदे को मारने गया, यहाँ पे आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैं सामने वाले बंदे को मारने गया तो पीछे वाले बंदे आपस में फाइट ले रहे थे, इसलिए इसको बचाने कोई नहीं आया। तो यहाँ पे देखो मैंने इसे इजीली नॉक कर दिया, बिकॉज जब भी मैं किसी पर रश करता हूँ ना, अगर नेड है तो मैं नेड करता हूँ पहले, जैसे मैंने आपको बताया, बट नेड नहीं है तो मैं यूँ जिगल करके जाता हूँ, ताकि वो बंदा मुझ पर प्रॉपरली एम ना कर पाए, और इसलिए मैंने उसको नॉक कर दिया। फिर मैं वापस चाहता तो उसके पास जाके उसको कंफर्म कर सकता था, बट मैंने पहले अंदर आके हील किया, बिकॉज अगर कोई भी और मुझे फायर करता तो मैं उसे पलट के मार सकूँ, अगर मैं हील नहीं करता तो वो फायर करता और मैं मर जाता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस बंदे और के सबसे पहले कंफर्म किया, आके मैंने इस वॉल के साइड में देखा कि कोई और बंदा तो नहीं है, और मैंने इसको आके प्रॉपर लूटा, बिकॉज मेरे पास लूट की थोड़ी सी कमी थी। उसके बाद अब यहाँ पे ये होता है कि दोनों स्क्वाड आपस में फाइट करके मर चुकी होती है। अब पीछे मेरे को लगा कि चार बंदे होंगे, बट वो चार नहीं थे, वो एक्चुअली दो या तीन बंदे थे, मैंने किलफीड में देखा था, और अब उनका लास्ट बंदा बचा था, ठीक है, बट मुझे इस चीज़ की शॉर्ट ही नहीं थी, बिकॉज किलफीड जब आया था तो मैं यहाँ पे फाइट कर रहा था ऑलरेडी इस बंदे से, तो मैंने किलफीड देखा नहीं है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप किसी पे रश करो तो किलफीड देखो कि कितने बंदे मर गए हैं, कितने बाकी हैं, ताकि आप इजीली रश करते टाइम प्रॉपरली उस चीज़ को नोट कर पाओ कि कितने बंदे आपको मारने हैं, उसी चीज़ से प्रिपेयर होकर आप अंदर घुसो। किलफीड नहीं देखते तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है।
तो उसके बाद देखो क्या होता है, यहाँ पे उनका एक ही बंदा बचा था और वो भाई साहब लेट गए थे अच्छे से। और अब यहाँ पे सीन क्या होता है, मुझे कैसे पता चला कि उनका एक ही बंदा था, मैं आपको बताता हूँ एक माइंड ब्लोइंग ट्रिक। यहाँ पे सीन ये हुआ कि यहाँ पे आ जाते हैं भैया बॉट, ठीक है। अब उस बॉट को मैंने मारा नहीं, ठीक है, मुझे पता था कि वो बॉट घूमता फिरता, अगर वहाँ पे कोई बंदा लेटा हुआ होगा बॉट को फर्क नहीं पड़ता कि कोई लेटा हुआ है, बॉट को सीधा पता चल जाता है कि कोई वहाँ पे लेटा हुआ है या कोई वहाँ पे बैठा हुआ है, वो सीधा एक एक टैप टैप उसे मारना चालू कर देता है। तो मुझे पता लग गया था कि वहाँ पे बॉट आया, अब या तो वो बंदा उस बॉट को मारेगा या बॉट उसको मारेगा, तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि कितने बंदे हैं वहाँ पे, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉट को उस बंदे ने मारा, ठीक है, मुझे किलफिट आ गया कि हाँ एक बंदा तो है। अब वो बंदे को मैंने राइट वाली वॉल से देखने की कोशिश की कि यार यहाँ से अगर मुझे ये बंदा दिख जाए तो मैं इसे मार दूँ, बट हुआ ये कि वो बंदा मुझे राइट से भी नहीं दिखा, मैंने वॉल के ऊपर चढ़ के देखने की कोशिश की। तो मैं फाइनली क्या करता हूँ, मैंने आपको बोला है कि एक बंदा अगर कैंप कर रहा हो ना तो ऑलवेज अगर आपके पास व्हीकल है तो उसका यूज़ करो, गाड़ी लेके जाओ, क्योंकि गाड़ी से उतारना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हर किसी का कार स्प्रे इच्छा इतना अच्छा नहीं होता है अगर आप कॉम्पिटिटिव नहीं खेल रहे हो। तो यहाँ पे मैं इरेंगल खेला था, मुझे पता था कि मैं कार से जाऊँगा और मैं कार से गया और वो बंदा यहाँ पे लेटा हुआ मिला मुझे और मैंने उस उतर के बहुत इजीली उसको फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहता था कि जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ मैं ऑलवेज यूज़ करता हूँ, हर बार मैं क्लच नहीं कर पाता, ऐसा भी नहीं कि मैं हर बार क्लच करूँ, हर बार भी नहीं कर पाता क्योंकि कभी कभी कुछ गलती हो जाती है, कभी कभी सिचुएशन ही ऐसी नहीं होती है, कभी कभी मान लो मैं सोलो हूँ और चार बंदे मुझ पर रश कर रहे हैं, मैं फॉल बैक तो कर लेता हूँ बट वो चारों ही एक साथ ही आ ही जाते हैं तो उसका भी कुछ नहीं हो सकता, कभी कभी तो मैं एक एक करके उनको मार देता हूँ। सो या मैं जैसे आपको ये बताना चाहता था कि जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स है यार वो मैं यूज़ करता हूँ और आप भी यूज़ करो बिकॉज काफ़ी इफेक्टिव होती हैं, और जो भी मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं काफ़ी पहले से यानी सीजन वन से ही ये गेम खेल रहा हूँ, मतलब जब से रिलीज़ हुआ है और मुझे मतलब मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी एक्सपीरियंस है। आप लोगों को कुछ को अच्छी लगती हैं वीडियोज़, कुछ को नहीं लगती हैं, बट जो भी वीडियो देखता है अप्रिशिएट। एंड सो या आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और या ओल्ड वीडियोस जाके देखो काफ़ी कुछ समझ में आएगा, और फिर मैं नई वीडियोस भी लेके आऊँगा ना अगर आपके लिए तो भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा, और आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो कि कौन सी वीडियो आपको चाहिए या फिर कौन सा चीज़ आपको मेरी सही नहीं लगी, आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो वो भी प्लीज़ दीजिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ने में और काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं जानने को मिलती है और काफ़ी आपकी प्रॉब्लम्स भी मिलती हैं जिसको मैं सोल्यूशन दे पाऊँ यहाँ पे वीडियोज़ बना पाऊँ। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस।